करने वाली हूँ चेन के हम सर्कल सॉन्ग के ऊपर। हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल वैष्णवी कम्बाइंड एंड हियर आई एम वैष्णवी गौरी। सो गाइज, इस सॉन्ग के ऊपर बहुत ज्यादा रिक्वेस्टें आई थी, बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट सेक्शन में इतने ज्यादा कमेंट्स किए हैं कि मैं हमेशा बोलती हूँ इतने कमेंट्स नहीं ले पाते हैं। गाइज थोड़ा ना जल्दी जल्दी कमेंट किया करो और ट्राई किया करो कि ज्यादा ज्यादा कमेंट को, ताकि आपका कमेंट टॉप पे आए एंड मैं आपका कमेंट मतलब मेरे से मेरी नजरों से आपका कमेंट मिस ना हो। सो इतना ज्यादा कमेंट करो आप लोग, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो एंड जिन लोगों ने कमेंट किया वो स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहे होंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरे रिएक्शन वीडियोस पसंद आते हैं तो पहले वीडियो देखने पहले हिट लाइक कर दो। हाँ, अगर आपको ऐसे ही चैन के सॉन्ग के ऊपर मेरे रिएक्शन वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना है एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। सो स्टार्ट करते वीडियो, लेट्स गो। एक दफा ना मेरी चैन से बात हुई, पहले तो उसने बड़े अच्छे तरीके से मुझसे बात की और फिर अचानक से ना अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी। यार उसका लड़की गाना सुना है, वो शुरू से ही ऐसा है। आई मीन जस्ट लुक एट हिज अपीयरेंस, ही ऑब्वियसली लुक्स लाइक अ हरासर। तरह की बातें कर रहे और फिर मैंने ना उसको ब्लॉक कर दिया। इनएप्रोप्रिएट बातें करने लग गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हमजा यार, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम नादिर भी, किधर हो आप? यार मैं अभी, मुझे खुद नहीं पता मैं किधर हूँ यार। अभी हुआ क्या है यार? यार वही कंट्रोवर्सी यार, वही इतनी सी बात को लेके यार ऐसे ही लगी है यार। आप सिर्फ मशहूर हो, इस वजह से टारगेट बने हो। मैं आर्टिस्ट हूँ, मशहूर तो अभी इतना हूँ भी नहीं यार। अच्छा जो भी, आप वापस आओ, हम सॉल्व करते हैं इसको सब मिलके। यार अभी मैं जरा किसी के साथ हूँ यार, और मैं अभी मतलब कर, एक सेकंड यार हमजा, कॉल आ रही है हमजा, मैं करता हूँ कॉल बैक। हाँ एक मिनट, एक जरूरी कॉल आ रही है।
गॉड, हद हो गई है यार। बॉलीवुड इंडस्ट्री को इतना कुछ बोला गया इस वीडियो में, किया है यार ये। हाँ मानती हूँ कि यहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में, लेकिन इतना भी नहीं है। एनीवे, आप लोगों का इस सॉन्ग के ऊपर क्या कहना है? मीन्स अगर हम सकल है तो उसको मार डालोगे? मुझे कोई बताया कि इसमें गलत था क्या था? मुझे पूरी लिरिक्स बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन इस सॉन्ग की जो स्टोरी थी, बाप रे, बहुत हॉरर टाइप की थी। समझ नहीं पा रही थी, ऐसा लगा था हॉरर शो देख रही हूँ मैं या हॉरर मूवी देख रही हूँ थिएटर में, ऐसी फीलिंग आ रही थी। एकदम सटाक से स्टोरी चेंज हो गई, मतलब कुछ समझ में ही नहीं, मैं समझ ही नहीं पाई। एकदम सडनली मेरे एक्सप्रेशन, मेरे रिएक्शन हॉरर टाइप का मेरे फेस पे आ गया, डर टाइप का लगा। पैसा सच में बहुत कुत्ती चीज है, बट हर इंसान की ऐसी बिल्कुल सोच नहीं है। एंड कुछ लोगों को बस काम करने की आदत होती है, कुछ लोगों को पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है। सो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर इंसान का, आप किसी को भी ऐसे जज नहीं कर सकते हो। काफी क्लियर कट में बोलते हैं, सो वो चीज थोड़ा सा वल्गैरिटी टाइप का लगता है वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पे मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, देन हिट लाइक बटन। फोकस इन को बॉलीवुड इंडस्ट्री ही क्यों कर रहे हैं? देन ये चीज में थोड़ा अच्छा सा क्लियर नहीं हो रहा है। सो वो चीज अगर आपको पता है, देन प्लीज हेल्प मी, कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताओ। सो प्लीज हेल्प, नॉलेज शेयर करने के साथ साथ इस वीडियो को भी शेयर करो अगर ये वीडियो पे मेरा रिएक्शन पसंद आया है। एंड आप ऐसे रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हो इनके सॉन्ग के ऊपर, चैन के सॉन्ग के ऊपर, देन मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन को हिट जरूर करें, ताकि आप मेरे वीडियोस जो मतलब इस वीडियो ऐसे वीडियोस देख सको। ओके सो गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए love you, see you next video, bye।